अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नदीम पकवान का सलमान उस्ताद बोल रहा हूँ। आपकी पुराना सलमान जो उस्ताद है नदीम पकवान का है ये, तो मैं आपको हलीम बनाना सिखा रहा हूँ जो मुहर्रम के हवाले से है। 20 किलो की मैं हलीम बना रहा हूँ। जैसे पकवान वाले बनाते हैं ना हलीम, रेशे वाला हलीम है, क्या उसमें कितना गोश्त डालना है, क्या 10 किलो गोश्त 10 किलो अनाज, इसका मैं आपको बता रहा हूँ 10 किलो हलीम का। अच्छा, सबसे पहले मैंने अपनी दाल ले ली है, 5 किलो गंदम ले लिया है, उसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया है पानी के अंदर। और यहाँ पर मैंने इसे देख रख के 10 किलो की देग है हमारे पास, इसके अंदर मैंने कम से कम 45 लीटर पानी डाला है और पानी उबलने छोड़ दिया है 10 मिनट के लिए। उसके बाद जब पानी उबल जाएगा तो उसके अंदर मैंने गंदम जो रखी है भिगोई है आधे घंटे, दाल और गंदम, सिर्फ दो आइटम है और कोई नहीं है। इन दोनों को मैंने भिगो के आधे घंटे बाद मैंने इसमें डाला है देग के अंदर। और 10 किलो गोश्त है, 10 किलो गोश्त में मैं मिर्चें डालूंगा। 10-15 मिनट के लिए आप भिगो दें गोश्त को, साफ सुथरा हो जाए, उसके बाद आप उसको चढ़ाएं। और उसके अंदर क्या डालना है वो मैं आपको बता दूँ। मिर्चें डालनी है 10 किलो में, तकरीबन 450 ग्राम मिर्चें डालनी है। और 10 किलो हलीम जो हम चढ़ा रहे हैं उसके अंदर हम आधे किलो हल्दी डालेंगे। अच्छा, मैंने ये 10 किलो हलीम में 45 लीटर पानी डाल दिया, गंदू और चने की दाल, इसको मैंने आधे घंटे भिगो दिया था, तो मैंने कम से कम इसको 10 से 15 मिनट आधा घंटा भिगोया है। अब मैं इसको चढ़ाने जा रहा हूँ। तकरीबन ये चढ़ेगी तो थोड़ा सा उबाल आने के बाद इसको बिल्कुल हल्की आँच पर छोड़ देंगे। हर 10-15 मिनट बाद इसको फिर दोबारा हिलाएंगे ताकि जो है ना चीज चुपके ना नीचे तक, बिल्कुल स्लो आंच कर देंगे, दम पे छोड़ देंगे इसको 4 से 5 घंटे के लिए। और दूसरा गोश्त चढ़ाया हुआ है मैंने, गोश्त भी कभी भैंस का गोश्त है, रेशे वाला बड़ा बड़ा, तकरीबन होना चाहिए 300-400 ग्राम, आधा किलो का एक पीस होना चाहिए और रूखा। तो इसके अंदर मैंने चढ़ा दिया, इसमें तकरीबन 300 ग्राम मिर्चें डाली हैं, इसको मैंने 4 से 5 घंटे लगते हैं इसको गलने में। उसके बाद जब गल जाएगा फिर मैं आपको इंशाल्लाह इसके आगे की बताऊँ। अच्छा, ये आपने तकरीबन 5 से 5 घंटे इसको पकाया है और आप इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल हो गया है, बिल्कुल इसकी दाल वगैरह और गेहूँ दोनों फट चुके हैं। ये देखिए, ये सब फट गए, बड़ी दाल हो गई है, ये फट गया गेहूँ। अब इसके अंदर हम लगाएंगे मछली। इसको थोड़ा सा मैं इसलिए हिला रहा हूँ जो नीचे चिपका हुआ है, उसको आप इसको इसको हिलाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई इसको डरने की बात नहीं है कि नीचे लग गया, आप इसको बिल्कुल ऐसे हिलाएं सही हो जाएगा, बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसके अंदर मैं मछली लगाऊंगा और उसके बाद फिर वो गोश्त भी बता दूँ। गोश्त हमारा गोश्त भी हो गया तकरीबन। ये मैंने आपको गंदम और चने की दाल का बता दिया था कि गल गई है, अब इसको मशीन लगानी है। ये हमारा गोश्त भी देख लें जो हमने चढ़ाया हुआ था, तकरीबन 5 घंटे हो गए इसको और बिल्कुल हो गया ये, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा छन्ने से दिखा दूँ आपको, बिल्कुल गल गया है, ये देखिए टूट रहा है ना अभी। तो इसको मैं इसमें पतीले में निकाल के और थोड़ा सा गोटा मारूँगा ताकि ये और हो जाए। ये देखें, मैंने गोश्त तकरीबन फूल दिया है, इसको थोड़ा सा नीचे से हिलाएं ताकि नज़र आए कोई चीचड़ा वगैरह, कोई चर्बी वगैरह हो तो उसको चमचे से निकालें, हाथ से कभी नहीं निकालें क्योंकि हाथ से निकालने से जल्दी ख़राब हो जाता है। आपके पास चमचा वगैरह है तो उससे उसको निकालें। ये मेरी यखनी थी ना, ये यखनी है, इसमें थोड़ी सी यखनी है, यानी कि पानी गोश्त चढ़ाया था तो इतना पानी था, आधा पतीला 10 किलो में, तो ये थोड़ी सी बच गई है। इसके अंदर मैं गोश्त डालूंगा और मसाले डाल के थोड़ा सा इसके अंदर गोटा मार दूंगा। मसाला है पिसा हुआ, ये हम पिसा हुआ मंगाते हैं, तकरीबन 100 ग्राम मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया पिसा हुआ, ये 1 थैली नमक की, आधे किलो के करीब ये नमक है, 1 थैली बहुत है हमारी, ये वाइट वाली, दूसरा कोई नमक है तो टेस्ट करके अपने हिसाब से डालना।
एक थैली में इसमें घी की ऐड कर रहा हूँ जी। मैं इसमें इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, थोड़ी देर में घोटा चलाऊंगा बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी है ना, वो भी खुश्क हो जाएगा और ये मिक्स भी हो जाएगा गोश्त अच्छे से। मशीन तकरीबन कम से कम इसमें आधे घंटे लगती है, अगर जैसे जल्दी है तो अपना 15-20 मिनट भी लगा लें, लेकिन आधे घंटे लाजमी चलती है मशीन। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा गाढ़ा हो गया, बहुत गाढ़ा हो गया, तो मशीन इसमें लग नहीं रही है, थोड़ा दाना रह गया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा फिर मशीन लगाएंगे, बिल्कुल ओके हो गया। ज्यादा पानी लगे, 1 से 1.5 किलो पानी में इसके अंदर डाल रहा हूँ। थोड़ा सा ढीला हो गया मशीन लगने में, पानी रह गया, ढीला सा गाढ़ा हो गया, पानी ऐड किया। अच्छा ये हो गया तकरीबन, वो जो करा हुआ था मसाला ऐड किया हुआ था, मिर्चे नमक गरम मसाला जो भी इसके अंदर ऐड है वो मैं डाल के हल्का सा बस मिक्स करने के तौर पे इसको चलाऊंगा मशीन। अच्छा जो पानी मैंने 1.5 किलो डाला वो बॉइल पानी डाला, कच्चा पानी नहीं डाला। दो 3 मिनट की मशीन इसमें लगाऊंगा, इसके बाद फिर इसको चूल्हे पे ले जाएंगे। अच्छा इसके अंदर मैंने देख लिया मशीन और ये गोश्त वगैरह इसके अंदर सब ऐड कर दिया है। अब इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए घोटा लगाऊंगा इसको, थोड़ा सा पका के हल्की आंच पे छोड़ दूंगा ये, ताकि 1-1.5 घंटे के लिए इंशाल्लाह भी ये रेडी हो जाए। थोड़ा सा मोटा मोटा नजर आ रहा है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा घोटा लगाऊंगा तो ये बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। घोटा देख, घोटा लग रहा है। अगर किसी के पास बिल्कुल मशीन नहीं है तो उसके लिए घोटा ये कि पहले चने की दाल डाले, वो पक जाए तो उसमें घोटा लगा दे, फिर गेहूं डाल दे, गेहूं थोड़ा सा फट जाएगा तो फिर घोटा चलाए उसको, तो वो जब दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी घोटे से फिर वो गोश्त अपना जैसे मैंने दिखाया गोश्त कूट के उसके डाल के मिक्स कर दे, जिसके पास मशीन नहीं है। अच्छा ये अभी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, गोश्त वगैरह डाल के मैंने इसको थोड़ा सा पकाया है तेज, ये देखिए बिल्कुल पक रहा है, ये बिल्कुल रेडी हो गई है, ये देखिए अच्छेदार हनी। अगर आप लोगों को गाढ़ा लगे तो इसके अंदर पानी डाल सकते हैं, मैं आपको फिर इसको प्लेट में निकाल के पेश करके दिखा दूँगा। अच्छा ये मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखा रहा हूँ,
बिल्कुल रेडी होगी। इसके अंदर मैं मसाला ऐड कर रहा हूँ।